आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा आज बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बताया था कि ये आयोजन रोहिणी सेक्टर 14 के टेक्निकल कॉलेज में किया गया है, जहाँ पर सरकार द्वारा अभी तक किए गए बिजली विभाग में जो जो काम है वो उन सभी कामों से लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही ये बताया गया कि 2047 तक सरकार इस मुद्दे पर किस तरह से काम करेगी और लोगों को किस तरह से जो बिजली है वो मुहैया करवाई जाएगी। आपको बता दें कि इसके तहत लोगों को काफ़ी सारी वीडियोज़ दिखाकर ये भी बताया गया कि किस तरह से सरकार जो है काम कर रही है और आने वाला जो सरकार का एजेंडा है वो किस तरह से रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर बच्चों के द्वारा कई प्रकार की प्रस्तुति भी की गई, नुक्कड़ नाटक किए गए, ताकि लोगों को इसके जरिए लोगों को ये अवगत कराया जा सके कि किस तरह की जो उपलब्धियां हैं वो सरकार ने अभी तक प्राप्त की हैं और आने वाले समय में किस तरह की उपलब्धियां सरकार हमारे बीच में लेकर आ रही है। कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत नॉर्थ वेस्ट जिला में, उत्तर पश्चिम जिला में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, न सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के, अन्य जैसे स्वास्थ्य या पावर डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के कार्य किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज ये जो हुआ है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिस प्रकार पावर सिनेरियो बदला है भारत का और जिस प्रकार आज बिजली की जो दशा है वो बदली है और बहुत ही अच्छी हुई है, उसी प्रकार से आज ये सरकारी जो स्कीम्स हैं इसकी एक अवेयरनेस कार्यक्रम था। बिजली महोत्सव जो मना रहे हैं वो पिछले 10-8 साल 9 साल की जो अचीवमेंट है बिजली के क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार के मामले में, उस चीज़ के बारे में बताया गया और बताया गया कि किस तरीके से आज़ादी के काफ़ी टाइम तक भी कई सारे विलेजेस, कई सारे मजरे ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं पहुंचती थी। और आप इस टाइम दिल्ली में हैं, दिल्ली में आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कितना कम हो गया है। पहले ऐसा होता था कि अगर बिजली का ट्रांसफार्मर भी आग लग गई, ख़राब हो गया, तो 3-3, 4-4 दिन तक बिजली नहीं आती थी। अभी आप समझिए कि आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, इतने में ही वो जो भी टीम कंसर्न जगह पर पहुंचकर उसको तुरंत रिजॉल्व करके दोबारा से बिजली स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज का जो कार्यक्रम है वो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए बना रहे हैं, उज्ज्वल भारत भविष्य के नाम से बना रहे हैं, उसको हम बिजली महोत्सव भी कह रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि 2014 से लेकर अब तक भारत सरकार ने जितनी भी योजनाएँ करिए उसको दिखाना, मतलब लोगों तक, तो ये एक्चुअली ये जन लोगों का कार्यक्रम है, लोगों के जन भागीदारी वाला कार्यक्रम है, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन था, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता को। कैमरा पर्सन राघव के साथ मैं काजल जैन, आईबीएम न्यूज़ इंडिया।